आप शांत हो जाएंगे, एक एक करके सवाल पूछेंगे, मैं इस तरह करते जाऊँ। जी इसका पहली बार एडवोकेट का किरदार निभा रही है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिस सेक्शन 375 से भी तरह बहुत सेंसिटिव मसला है जी। किस तरह का एक्सपीरियंस और क्या खास तैयारी आपने अपने किरदार के लिए की? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट ही होते हैं। वो लिटिगेशन करते हैं और अक्सर ऐसे क्लाइंट्स जो बड़ा वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोवाइड करती है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिल्म काफ़ी चैलेंजिंग है, आप देखेंगे बहुत बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुश्किल फिल्म है सबके लिए। तो मज़े आए, बेहतरीन एक्टर्स के साथ और बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आप बताएं अपने किरदार के बारे में, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, उसमें हम आप दोनों के बीच के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फोटो में वो देख पाते हैं, तो आपके लिए किस तरह का चैलेंज रहा इस फिल्म में काम? चैलेंज तो हर फिल्म में एक अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। इसमें भी एक्चुअली इसमें काफ़ी कम थे, क्योंकि मेरे डायरेक्टर इतने ज़्यादा उन्होंने होमवर्क किया, रिसर्च किया और इतने वेल प्रिपेयर्ड थे कि हमारा काम बहुत आसान हो गया। सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का। और जितने एक्टर्स यहाँ नहीं भी हैं उनका भी काम मुझे लगता है काफ़ी उनकी मेहनत की वजह से काफ़ी आसान हुआ। पर हैविंग सेड दैट, एक बहुत ही अनयूजुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा सेक्शन 375 एक ऑडियंस के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि व्हेन आई सॉ द फिल्म परसों, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद कोर्टरूम में बैठा हूँ और मैं जो भी कोर्टरूम में हो रहा है मैं लाइव देख रहा हूँ। तो उस टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रेयरली मिलता है सिनेमा में, और उसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंसेस कैसे रिएक्ट करेगी पिक्चर देखने के बाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को सिर्फ दे विल नॉट ओनली बी एंटरटेन्ड, लेकिन उनको ये कानून के बारे में और जनरली स्पीकिंग लीगल दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थ्री सेवेंटी फाइव आपके सामने है। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल। मैं ये मतलब हर लड़की की ज़िंदगी पे असर करता है, और जो फिल्म है बिल्कुल एक लीगैलिटी पे फिल्म है। कैसे दो पक्ष लड़ते हैं, एक न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं लड़की को, और दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। बस ये हमारी फिल्म है, इसका और कुछ मतलब किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे तो जैसे डिटेक्टिव केस होता है उस तरह से अनफोल्ड करती है। कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक थ्रिलर जैसा है। नहीं, ये सवाल तो इसका कोई आज कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट सवाल, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। मेरा सवाल है, जैसे अभी भारत में जो हमारा मैरिटल रेप केस है उसको अभी तक जुर्म नहीं माना गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या जुर्म? मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम येट, इज इट? या इट इज इन आवर कंट्री देयर इज नो लॉ अबाउट मैरिटल रेप। पर ये उसके ऊपर पिक्चर नहीं है मैरिटल रेप। देखिए, वो बहुत एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, और हम में से कोई भी ऐसे केयरलेस बात उस पे कर देगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। उस हम पूरा लॉ पढ़ के नहीं आए हैं। मतलब कंप्लीटली समथिंग एल्स। सर, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि सेक्शन 375 जो है, ये जब निर्भया का केस हुआ था तो उसके बाद ये आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो मूवी इतनी डिले, मतलब इतने देर के बाद क्यों बन रही है? क्योंकि निर्भया के ऊपर आज़ादी मिली थी 1904, अभी कोई फिल्म बनेगी उसके ऊपर तो उसका क्या लॉजिक है? देखिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था तो इनका काम था। बिल्कुल सच बात है। और मगर अच्छी बात ये थी कि हमारे डायरेक्टर बहुत ही सेंसिटिव आदमी हैं और उन्होंने बहुत अध्ययन किया है इस सब्जेक्ट पर और उन्होंने बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया हर चीज़ को। और मैं सेट पे एक बहुत ही क्लीन क्लियर माइंड से जाता था और सिर्फ फॉलो करता था जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैं उसको फॉलो करता था। एंड बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कन्फ्यूजिंग कैरेक्टर। पर अब आप फिल्म देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि फिल्म सच और झूठ की है, फिल्म लॉ और जस्टिस की है। ये सारी बातें जो हमें हम ऐसे ही ले लेते हैं और जो फेसबुक या ट्विटर या इंटरनेट पे हम गिल्टी कोशिश कर देते हैं लोगों को, लेकिन असल में क्या होता है ये उसके ऊपर फिल्म। मेरा पहला सवाल अक्षय जी से है कि आपकी फिल्म की टैगलाइन है मर्जी या जबरदस्ती, एक शादीशुदा औरत के संबंध में इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? और मेरा दूसरा सवाल ये सेम क्वेश्चन है, ये मैरिटल रेप। देखिए क्या होता है, हम लोग इतने भी वो नहीं है, यहाँ से हेडलाइन बनती है और हम ही ट्रोल होते हैं, है ना? तो फिर जिसका हमारी फिल्म से कोई लेना देना नहीं उस सवाल से परे हटें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए। हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है, हम लॉयर्स एक्चुअली में नहीं हैं केस का जवाब दे सकें। दूसरा सवाल मेरा आपसे इधर, आप ये बताइएगा कि आपने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा था भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है। पहली बात देखिए, फिर मैं आ जाती हूँ, आप हेडलाइन चाहते हैं ना सिर्फ, मैंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं। मैंने अपने ट्विटर पे एक इंटरनेशनल सर्वे को ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। अगर आपको इस बात पर संदेह है तो अपने आसपास की बैठी महिलाओं से पूछ लीजिए, बस। सुनते हैं आंकड़े, देखते हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला जो है रेप का शिकार हो रही है। बीइंग अ वुमन, जब आपने इस फिल्म में काम किया तो आपको क्या कुछ नई बातें पता चली कि ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? क्योंकि आई थिंक द मेन रीजन फॉर मी टू साइन दिस फिल्म इज जो आप बोल रही हैं ऑडियो नहीं है, जस्ट मूव सम माइक। नो आई शेक माय सेल्फ। सो मेरा फर्स्ट रीजनिंग यही था कि बिकॉज रेप इतना ज़्यादा है, नॉट इवन इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। और सेकेंडली जब रेप होता है उसके बाद जब एक लड़की जस्टिस मांगने जाती है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जब उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ रेप से भी ज़्यादा बुरी है, बिकॉज हर सोल इज़ गेटिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो वो कितना मुश्किल होता है उसके लिए, अपने माँ बाप के सामने एग्जामिनर, कांस्टेबल सब होते हैं और वो ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चंस का उसको आंसर देना पड़ता है। उसके बाद जब वो कोर्ट में खड़ी होती है और कोर्ट में जब खड़ी होती है तब फिर से उसको, मैं बोलना नहीं चाहती बट लिटरली नंगा करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जिस तरह से उसको जस्टिस के लिए वो लड़ती है वो कितना मुश्किल एक्सपीरियंस है। सो मैं तो यही कहूँगी कि वो थोड़ा आसान हो जाना चाहिए। हमारे लॉज तो हैं बट आई थिंक उन पर इम्प्लीमेंटेशन करेक्टली नहीं है, तो वो होनी चाहिए। सो ये मूवी आई थिंक वो सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से, एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज हम तो मॉरल प्रीचिंग नहीं कर रहे बट हम नहीं बता रहे क्या सही क्या गलत है। एंड व्हेन वी आर नॉट सेइंग दैट, ऑडियंस से ज़रूर अपने अंदर सोचेगी कि क्या सही और क्या गलत था। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पूरा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो 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 दुनिया है लीगैलिटी का, उसके बारे में काफ़ी कुछ एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। और उनके जो प्रोफेशन है, चाहे वो जज हो या वकील हो, या उनका काम कितना मुश्किल है और उसके बारे में भी, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ग्रे या अपना नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर ऐसा होता तो हर वकील मतलब वुड बी अ विलेन और नेगेटिव पर्सन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ही जनता है, मैं तो चाहती हूँ सारी जनता पसंद करे। इट्स वन इंडिया, आई डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, तो सारी जनता मेरे को पसंद करे। और एक बहुत अच्छी दूसरी बात है कि जैसे हमने साहो में देखा है कि आई थिंक साउथ इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा या बंगाली सिनेमा या गुजराती सिनेमा, आई थिंक उनके बीच जितने भी वो बाउंड्रीज थे वो खत्म होते जा रहे हैं। टीवी पे तो सारे हिंदी में ही आते हैं। आप सॉरी, जस्ट रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर। डू यू थिंक दिस लॉ कैन बी मिसयूज्ड? As the movie shows us that sometimes how a law can be misused. Normally for a normal common person, you or me or anyone here, we would not think that way कि ये कानून है इसको कैसे misuse किया जाए, पर कुछ लोग हैं जो करते हैं और उसी मुद्दे को लेके हमने ये पिक्चर बनाई। I think this law is so powerful for every girl. कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी जब तुम एक बहुत पावरफुल चीज़ दे देते हो तो वो मिसयूज़ होती ही है। सो आई थिंक एक और चीज़, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज हाउ रिस्पॉन्सिबल वी शुड बी टुवर्ड्स समथिंग विच इज़ सो पावरफुल इन आवर हैंड्स, टू नॉट मिसयूज़ इट, बिकॉज जब तुम मिसयूज़ करने लग जाते हो सो द इम्पॉर्टेंस यू नो इट जस्ट गेट्स डायल्यूटेड। सो आई थिंक ये भी लोग इस बारे में बात करेंगे। That you think that every girl should be knowing about this law, like you know, in every court drama, we also learn as an audience. Like when Pink came, many girls came to know about zero FIR. So, are there any such facts that you discovered while researching for this movie, and that you feel that every girl should know? In fact, we did two interviews before this press conference, and both the people who were interviewing us were ladies. And my director asked both those ladies, "Ki, do you know the difference between?" consent and will. Both of them didn't know. Which is, and being women, being educated women, being journalists, being women who are exposed to so many things, they did not know the difference. So it is something that definitely most people are not aware about. Yeah, even well educated, well travelled, you know, urban women, they don't know the difference. So. It's quite an eye-opener. Yeah, I definitely learnt about the law, this particular law, when I was doing the film. Even I didn't know, and it's because the IPC is very. Some things are very peculiar to the IPC, to India, because laws are made in the Indian context. So many laws were amended after the Nirbhaya case. So in that, there's. I feel like there needs to be more awareness, which I am hoping will come after the film. And both men and women should study this law very carefully. बिल्कुल देख सकते हैं, आप अपनी माँ के साथ देख सकते हैं, अपने पिताजी के साथ देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। हाँ। मैसेज वो है जो आप लेके जाएंगे। ऐसा हमने कोई मैसेज देने के लिए कोई मतलब, फिल्म बहुत बैलेंस्ड है, इसकी कोई मतलब देयर इज़ नो मैसेज दैट फिल्म देना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेफिनेटली आपको मजबूर करेगी पिक्चर कि आप अपने अंदर का जो मोरालिटी है या आपको क्या लगता है सही है गलत है कानून के प्रति, वो आपको डिसीजन या स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन के लिए आपको नोटिस आया था उसके बारे में? वो उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि मेरा रिएक्शन तो यही था कि एक छोटी सी बात जो आपको लगा कि प्रोमो देख के आपको लगा कि आप हमने लॉयर्स को या लीगल फ्रेटर्निटी को सही लाइट में नहीं दिखाया, ये बहुत छोटी सी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट का समय इन चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतने सारे लाखों करोड़ों केसेस हैं जो आज भी हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, तो ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करना ये सही नहीं लगता है मुझे। ठीक है, चलो आप बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं सत्यम और भारत टाइम से, जब बॉलीवुड में जब कोर्ट रूम ड्रामा जब इस तरह की जो मूवी आती है तो उसमें ड्रामा रह जाता है, कोर्ट का उस तरह का नहीं आता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, वहाँ का जब माहौल देखोगे और फिर जब मूवीज में उस चीज़ को लाई जाती है वो चीज़ उभर कर नहीं आ पाती, वो ड्रामा लगता है केवल, कोर्ट रूम का माहौल उसमें नहीं होगा। ये मूवी बाकियों से कैसे अलग? इसका एक सिंपल जवाब आप ये दोगे कि आप उसके लिए आपको मूवी देखना होगा, वो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, ये मूवी देखकर आपको कोर्ट ही लगेगा, आप कोर्ट रूम में बैठे हो। हाँ, हमें तो ऐसा ही लगा कि हम कोर्ट रूम में एक्चुअल वकालत कर रहे हैं, उतने कंसंट्रेशन फोकस के साथ हमें काम करना पड़ा। अभी हमने जब सिंगापुर में स्क्रीनिंग करी तो हमें रिएक्शन यही आया कि फर्स्ट टाइम सबको ऐसा लगा कि वो एक्चुअली कोर्ट रूम में बैठ के मूवी देख रहे हैं।